नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना को लेकर की गई अपील का चारों ओर जनता द्वारा भारी स्वागत किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनहित में जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है और जनता द्वारा प्रधानमंत्री की संयम बरतने की अपील का पूरे जोर से अमल करने का आश्वासन दिया जा रहा है। कैथल जिला के भाजपा अध्यक्ष अशोक गुर्जर, अग्रणी समाज सेवा संस्था सेवा संघ के संस्थापक शिव शंकर पहावा, लायंस इंटरनेशनल के नेता जगदीश बहादुर खुरानिया और वरिष्ठ समाज सेवी अशोक भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप होने से जनता बेहद दुखी और परेशान है। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता से संयम और सहयोग देने की अपील की है, वह वास्तव में जनहित में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान करके जनता के हित में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, जिसका केवल हम ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं सहित सभी लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो जनता की सेवा करने वाले डॉक्टर, मीडिया, पुलिस प्रशासन के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए शाम के 5 बजे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर ताली, थाली और घंटी बजाकर स्वागत करने की जो अपील की है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि हम पूरे जिला की जनता से यह अपील करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का पालन करके अपने और राष्ट्र हित में सहयोग करें। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, कल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के करोड़ों देशवासियों को ये आह्वान किया है कि वो 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे तक स्वयं अपने ऊपर कर्फ्यू लगा करके जनता कर्फ्यू में सहयोग करें, ताकि जो ये कोरोना वायरस जो एक वैश्विक महामारी है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी की ये अभूतपूर्व सोच है कि इस महामारी को जड़ मूल से विनाश करके हम इस पर विजय प्राप्त करें और ये मानवता की विजय हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जो आह्वान किया है उस पर रात से ही देशवासियों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो ये वायरस का जो ये चक्र है, इस चक्र को 24 घंटे में तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी होगा, क्योंकि ये वायरस जिस प्रकार से फैल रहा है उसमें जब हम अपने घरों में रहेंगे और 24 घंटे तक हमारी सड़कें, हमारे बाजार, हमारे दफ्तरों के खिड़कियाँ, दरवाजे, लिफ्ट, रेलिंग, उनमें जो ये संक्रमण की आशंका रहती है, तो उससे हम बचेंगे और निश्चित तौर पर भारत जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की और उनकी टीम की जो ये सोच है, जो ये योजना है, तो मेरा भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आज हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों की और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक छोटी बैठक यहाँ पर बुलाई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल अकेला जाकर के लोगों को इस बारे में जागरूक भी करेगा और पंपलेट बांट करके इस वायरस के प्रति सचेत रहने के लिए, बचाव रहने के लिए उनसे निवेदन भी करेगा। ये एक बहुत राष्ट्रहित के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी अभूतपूर्व सोच है और जिसका बहुत ही सफल परिणाम आने वाले दिनों में होगा और भारत इस महामारी पर विजय प्राप्त करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवत्। ये हम भारतीयों की संस्कृति है, संस्कार है, कि हम यही कामना करते हैं कि संसार का हर प्राणी सुखी रहे, किसी को कोई दुख ना हो, सभी रोग मुक्त हों। अभी कुछ दिनों से पूरी दुनिया में कोरोना नाम का एक वायरस फैला हुआ है, जिससे बहुत से लोग अपने प्राण त्याग चुके हैं, बहुत से लोग अभी उपचाराधीन हैं। और कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारतीयों को एक आह्वान किया है कि 22 तारीख रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक एक सेल्फ इम्पोज्ड कर्फ्यू, जिसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया है, उसका पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि
बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है, जैसा हम देख रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का पालन करने के लिए स्वयं को भी और अपने तमाम साथियों को ये निवेदन करता हूँ कि हम उस दिन पूरी तरह से जनता कर्फ्यू रखें, अपने अपने घरों में रहें। मैं आम जनता से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सीरियसली लें और उस दिन पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक अपने अपने घरों में रहकर इस जनता कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करें। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो लोग अपने प्राणों को संकट में डाल करके दूसरे प्राणियों की रक्षा के लिए दिन रात 24 घंटे इस सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सराहना करने के लिए हमारे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की उसी बात को दोहराते हुए सारी जनता से निवेदन करता हूं कि शाम को सायंकाल 5 बजे अपने घर के दरवाजे के ऊपर आकर के उन लोगों के लिए जो जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हमारे मीडिया के कर्म भाई हैं और अन्य लोग हैं जो इस सेवा में पूर्णतया लगे हुए हैं, उनकी सराहना करने हेतु हम ताली भी बजाएं, हम थाली भी बजाएं और घंटी भी बजाएं, जिससे उन लोगों को ये महसूस हो कि भारत की सारी जनता उनके साथ। कल मुझे भी मौका मिला प्रधानमंत्री जी का जो देश के नाम संदेश था 8 बजे, तो उन्होंने जो कोरोना नाम की महामारी, एक एपिडेमिक जो है ग्लोबल मैप के ऊपर पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, उन्होंने एक बड़ी चिंता व्यक्त की। उसके साथ साथ उनका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो उन्होंने अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हुए हैं, इवन जो एक बात ये आई कि भाई सब्जी की दुकानें बंद हो रही हैं, किराने की, उन्होंने कहा भाई हम सक्षम हैं और किसी भी तरह की जो कमी आएगी कमी नहीं आने देंगे और हम इसकी पूर्ति करेंगे। और उन्होंने बहुत कुछ इसके बारे में बात करके, जहाँ आप पूछ रहे हैं मुझसे कि जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च के लिए उन्होंने कहा है, जहाँ तक मैं इसका मतलब समझता हूँ, इससे एक संदेश जाएगा हमारे देश में तो जाएगा कि ये जो इसे कल्चर क्रिएट होगा, जो जनता हमारी गांव में है, जो लोग अनपढ़ हैं, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि कोरोना क्या चीज़ है, जब पूरा देश मोदी जी को फॉलो करेगा और उनके एक संदेश के ऊपर और उनके एक आह्वान के ऊपर 22 मार्च को, उनका जो ये संदेश था सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए था। उन्होंने बार बार कहा 130 करोड़ भारतीय, मुझे उनकी चिंता है, और एक बड़ा सराहनीय कदम है। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि 22 मार्च को पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैंने विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके बयान भी मतलब पढ़े भी हैं और टीवी के ऊपर वाच किए हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ खड़े हैं और मिल करके इसको लड़ाई को लड़ेंगे। लायंस इंटरनेशनल, वैसे तो आज विश्व के 210 कंट्रीज से ज़्यादा में हैं और भारत में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर लायंस क्लब ना हो। हम एक छोटे से शहर में रहते हैं कैथल में, यहां भी आज 12 से अधिक क्लब लायंस की हैं। और कल से जब प्रधानमंत्री जी का ये संदेश आया है, उनके आह्वान पर उस समय से अब तक जो सोशल मीडिया है, जो हमारी लायंस की अपनी साइट है, उसके ऊपर सभी लायंस की एक मारामारी और अपने बढ़ चढ़ कर के आगे आ रहे हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मैं भी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि भाई मैं भी उस दिन जनता कर्फ्यू में मोदी जी के साथ हूँ, देश के साथ हूँ। लायंस क्लब्स ने ऑलरेडी अपना काम इस दिशा में शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया है, उनकी इस बात की सारे देश में प्रशंसा हो रही है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं
वो भी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर कोई संदेश देशवासियों के नाम आता है तो उसका बहुत महत्व होता है। वैसे भी आज विश्व भर में लोग मोदी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ संदेश सारे विश्व में जा रहा है। उन्होंने कहा है जो स्वास्थ्य कर्मी और दूसरे लोग इस सेवा में लगे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। शाम को 5 बजे 22 मार्च को हम थाली बजाकर, करें, ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिले। बहुत से जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने भी इस बात को सराहा है। आपने मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि सभी डॉक्टर लोगों ने अपने आप को एक प्रफुल्लित होकर उन्होंने काम करने के लिए आगे आए हैं। उन कोई भी काम करते हैं, यदि हमें उसकी प्रशंसा मिलती है, हमें भी बड़ी आत्मसम्मान का भाव हमारे मन में आता है। ऐसा ही भाव आज बहुत जोश के साथ सभी स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, मीडियाकर्मी और जो भी लोग इस कोरोना वायरस को देश में भगाने के लिए लगे हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने सभी जनता से कहा है कि आप लोग भी उन्हें प्रोत्साहन के रूप में, धन्यवाद के रूप में शाम को 5 बजे 22 मार्च को ताली बजाकर, थाली बजाकर और घंटी बजाकर उनका घर बैठे धन्यवाद करें। ये बहुत मुझे लगता है कि तमाम देशवासी, जो कि नाम भी जनता कर्फ्यू दिया गया है, ये कोई आदेश नहीं है, जनता की तरफ से ही एक स्वयं कर्फ्यू लगाकर ये विश्व भर में संदेश फैलाने के लिए एक कदम उठाया है, उसकी सारे देश में बहुत प्रशंसा हो रही है और लोग इस कार्य के लिए बढ़ चढ़ कर आगे भाग भी लेंगे। यही आह्वान करता है कि हम भयभीत ना हों, संयम से काम लें और किसी प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करने की होड़ में ना लगाएं। जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण में भी कहा है, हम लोग अफवाहों से ज़रूर बचें, क्यों अफवाहें भी जो हैं वो देश में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप अफवाहों से दूर रहें और किसी प्रकार के भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत उनको नहीं है।